कहते हैं वो नहीं, बल्कि इनका एक बहुत बड़ी जीत है। जीत सिर्फ इसलिए नहीं कि चूंकि जो विधि का जो शासन है, जो संविधान में जो अधिकार हर नागरिक को दिया जाता है, वो अधिकार पुनर्स्थापित हुआ, सिर्फ उसके चलते नहीं, सिर्फ बल्कि मुझे लगता है कि ये हमारे जितने तमाम जन आंदोलन है, हमारे जो राजनीतिक हमारा इरादे हैं, मकसद है, उसका भी मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा जीत है। आप बिल्कुल उसको एक लेवल पे देखेंगे तो लगता है कि एक कानूनी लड़ाई में ये जीत है, वो भी है, लेकिन मुझे लगता है कि जो कैंपेन हुआ, जो इतने हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर हजारों लोग ये कैंपेन में शामिल हुए, उसका भी ये जीत है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो जीएम साहिबाबा और अन्य साथी हैं जो हैं हमारे एम मिश्रा यहाँ बैठे हैं साथ में, एम मिश्रा के माता पिता भी हैं यहाँ पे, ये जो एक इनका कि जो एक्टिविज्म जो हम कर रहे थे, उसका जो एक तरीके का उसके चलते जो हमें समर्थन मिला, जो उसके चलते जो कैंपेन बना, वो कैंपेन मुझे लगता है कि वो और आगे भी चलेगा। हमारे साथी लोग बाहर आ गए बरी होके, ये हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन अभी ये लड़ाई और भी आगे है। तमाम ऐसे लोग हैं जेलों में जो हमारे मिश्रा बताएंगे, जो अभी भी बंद पड़े हुए हैं। इस कैंपेन में भी हमें पता है कि हम पांडू नरोटे को, वो तो चले गए, बाकी जो दो आदिवासी साथी हैं उनको भी हम यहाँ पे लाना चाह रहे थे, क्योंकि वो भी इसी केस में अंदर थे, लेकिन हम उनको यह नहीं पा रहे। ये बहुत ही सीरियस बात कि एक ही केस में ये लोग जेल में थे और उनके साथ तो मुझे लगता है कि कोई इंटरव्यू भी मैंने नहीं देखा मीडिया में। दो आदिवासी भाई लोग, वो कहां है, वो क्या सोच रहे होंगे, क्या आप जानते हैं, नहीं जानते हैं। क्या कोई रिपोर्टर उनके पास गया, आज हम यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ये दो लोग जो छूट गए, ये भी हमारे लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। यानी कि सवाल सिर्फ कानून का जो एक विधि है उसके मुताबिक होना चाहिए, और उसके मुताबिक हम देखेंगे तो जो ये अरेस्ट इलीगल था, तो हेंस कोर्ट ने इनको केस पारी करके छोड़ दिया। सिर्फ वो नहीं है बात, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा जो सात आदिवासी भाई है वो छूट रहे हैं। यानी कि ये जो केस का भी आप अच्छे डिटेल में आप स्टडी करेंगे तो इसमें भी आपको ये जो बाकी जो सामाजिक जो 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 परिवर्तन जो हमारे साथी लोग उठाते रहे वो अभी भी हमारे सामने में ये प्रश्न है कि हम इसको कैसे एड्रेस करेंगे। इसी के साथ जुड़ा हुआ जो चीज है, देखिए कि जो 2017 में जो लाइफ इंप्रिजनमेंट, आजीवन कारावास, उसमें जो कोर्ट के तरफ से उस जजमेंट को जस्टिफाई करते हुए उन्होंने ये कहा था, उदाहरण स्वरूप साईबाबा के बारे में, कि ये वहां पे डेवलपमेंट प्रोसेस को रोक रहे थे, कि गढ़चिरौली में जो विकास का कार्य जो हो रहा था, जिस विकास के चलते जो कोर्ट कहना चाह रहा था उस टाइम, कि विकास के चलते जो पूरा समृद्धि हो रहा है देश में, सब खुशहाली है वगैरह वगैरह, वो उसको रोक रहे विकास कार्य को,
यानी कि वो जो जजमेंट था, वो जजमेंट मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज का जो राज्य प्रणाली है, आज का जो ये पूंजीवादी व्यवस्था है, उसका मन की बात मुझे लगता है उस जजमेंट में था। जजमेंट तो जो इधर नागपुर बेंच ने इनको एक्विट करते हुए जो दिया वो हमको पसंद है। जजमेंट तो जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको इनका एक्विटर को अपेंड किया वो जजमेंट हमें पसंद है, क्योंकि हमारे साथ ही छूट किया है। लेकिन जो मन की बात जो है, जो सिस्टम का जो मन की बात है, मन की बात कहें या पता नहीं दिल का भी हो सकता है, तो लगता है वो दिल की बात है। दिल की बात तो मुझे लगता है वो है। तो जब सुधा भारद्वाज जब जेल से छूटे, बेल मिला उनको, तो उन्होंने बोला कि या हमें पता है ये बात कि ये टेक्निकल ग्राउंड्स में छूटे, टेक्निकल ग्राउंड्स में, जैसे इस केस में भी, साई बाबा एम मिश्रा वाला केस में भी, पहले जो 2022 में, 2022 में जो आया था कि भाई सैंक्शन नहीं मिला था, है ना, बिना सैंक्शन का ही ये कैसे हो गया करके नागपुर हाईकोर्ट ने तब ही इनको बेल दे दिया था टेक्निकल ग्राउंड्स पे। अब इधर आके हमें पता है सुप्रीम कोर्ट ने फिर वापस वो कर दिया था नागपुर हाईकोर्ट को कि ये मेरिट्स पे इस पे चर्चा हो, पूरा केस पे नागपुर हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट दोबारा इस पे डिसीजन अपना सुनाए और उसी डिसीजन से ये लोग बाहर आए। तो ये जो टेक्निकलिटी पर सिर्फ फोकस ना करके केस का मेरिट्स पर देखने ही वाला जो बात है, अगर उस पे आप जाते हैं तो एक मजेदार चीज आपको यहां देखने को मिलेगा, वो ये कि मेरिट्स को देख के इनको एक्विटल हुआ है, ऑन मेरिट्स बरी हुआ है। लेकिन हमें ये पूछना चाहिए कि सही में ये मेरिट्स पे गए हैं कि नहीं, क्योंकि इन्होंने बोला कि आपका एविडेंस गड़बड़ है और एविडेंस पूरा ही फैब्रिकेटेड है और ये एविडेंस डज नॉट स्टैंड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इस बेसिस पे हाई कोर्ट ने इनको एक्विट कर दिया कि ये एविडेंस ही आपका फैब्रिकेटेड है, और एविडेंस तो मेन चीज होता है कानून में, कोई भी ट्रायल में, कोई भी कोर्ट केस में एविडेंस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो लेकिन मुझे लगता है कि अगर मेरिट का बात कर रहे हैं, ये जो एक पॉलिटिकल चार्ज लगाया था 2017 में सेशंस कोर्ट ने कि आप डेवलपमेंट प्रोसेस को ही रोक रहे हैं, मुझे लगता है कि वो सिस्टम का, आज का जो राज्य प्रणाली है, आज का जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनका वो दिल का बात था। तो इधर आके जब हम मेरिट्स पे बात कर रहे हैं, तो ये मेरिट्स पे जो आना चाहिए था, मुझे लगता है कि सिर्फ एक लिमिटेड लेवल पे ये मेरिट्स पे गया है, यानी कि जो एविडेंस पे जो ये किया है, उन्होंने फोकस किया है और ये बोल रहे हैं कि मेरिट्स पे इनको एक्विट किया गया है। मुझे लगता है कि हम मेरिट्स पे अगर हम जाएंगे तो फिर हम जो सोशल मूवमेंट्स के बारे में बात करते हैं, जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का बात करते हैं, हम जस्टिस का, न्याय का बात करते हैं, तो वो सवाल उठता है कि अगर डेवलपमेंट प्रोसेस, ये जो आज का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, जो ऊंच नीच क्रिएट करता है, जो अन्याय क्रिएट करता है, जो आदिवासियों के साथ जो हो रहा है आज देश में, दलितों के साथ हो रहा है, मजदूरों के साथ हो रहा है, गिग वर्कर्स के साथ हो रहा है, वो जो डेवलपमेंट मॉडल को हम चैलेंज कर रहे थे, मुझे लगता है कि वो अगर रियल मेरिट्स का बात में अगर वो आना चाहिए, तो मुझे लगता है कि उस व्यू पॉइंट से अगर हम इसको देखते हैं, तो एक बात बिल्कुल साफ है कि प्योरली लीगल ग्राउंड्स पे, हालांकि इन्होंने इसको मेरिट्स कहा है, अब प्योरली लीगल ग्राउंड्स का मेरिट्स आप
देखेंगे तो कभी भी आप फिर ये जो मौलिक जो मुद्दा है सामाजिक न्याय का, उस पे आप फिर उसको अलग ही दरकिनार कर देते हैं, लेकिन हम वो दरकिनार नहीं करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि सवाल ये है हमारे सामने में कि हम बाकी भी केसेस, अभी भी भीमा कोरेगांव के तमाम केसेस हैं, तो हम कैसे हमारा जो एक जो लीगल स्ट्रगल है, जो कोर्ट में जो हम संघर्ष करते हैं, जो हम बेल के लिए लड़ते हैं, जो हम केस बरी हो जाए इसके लिए हम लड़ते हैं, हम अपना आजादी के लिए, ताकि हमें यूएपीए जैसे केसेस में हमें फंसा के फैब्रिकेट करके हमें अरेस्ट ना करें, वो लड़ाई के साथ साथ हम कैसे हमारा जो सामाजिक न्याय के जो लड़ाई है कास्ट के मुद्दा पे, क्लास के मुद्दा पे, उसको हम कैसे हम समन्वय कर पाए। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा चुनौती है हमारे सामने में, और मुझे लगता है कि हमारा जो कैंपेन है आज, ये कैंपेन अगेंस्ट स्टेट डिप्रेशन की तरफ से हम लोग ये कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल हमारे सामने में है। और मुझे लगता है कि जो सामाजिक जो, जो 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 न्याय का जो सवाल ये केस के साथ जुड़ा हुआ है, मुझे लगता है कि उस पर हमें फोकस करना चाहिए। और उदाहरण के लिए देखिए, आज इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स का इतना बड़ा चर्चा हो रहा है देश में, मुझे लगता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स का जो चर्चा हो रहा है ये इसके साथ क्या जुड़ा नहीं है? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स का तो डिबेट इस ढंग से चलाया जा रहा है, मोदी मीडिया हो या दूसरा मीडिया हो, वो इस ढंग से चला रहे हैं कि देखो बीजेपी ने इतना लिया, मोदी ने इतना लिया, कि अगर जितना तृणमूल कांग्रेस ने लिया, जितना कांग्रेस ने लिया उससे कम बीजेपी अगर लेता तो ठीक था, क्योंकि बहुत ज्यादा ले लिया और कुछ मिलिंग मिलिंग हुआ है, कोई प्रोको हुआ है, इसलिए हम गलत मान रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, जब हम सामाजिक न्याय के तरफ से हम देखते हैं चीजों को, तो सवाल ये उठता है कि इतना अभी जो टोटल जो फिगर जो आया है 20,000 करोड़ का है, 6,000 करोड़ ये लिया, 1,200 करोड़ उसने लिया, फिर 1,200 करोड़ दूसरे ने लिया, डीएमके ने थोड़ा कम लिया, 800 करोड़ सीपीएम ने भी पता नहीं 2-3 करोड़ लिया, जो भी है हा? तो ये जो पूरा जो आ रहा है इतना बड़ा रकम इलेक्ट्रोनल प्रोसेस को फंडिंग कर रहा है। आप मेट्रो लेवल पे देखिएगा किसको कितना मिला, सिर्फ बंटवारे का डिबेट नहीं है, एकदम से डिबेट चलाया जा रहा है कि ये बंटवारे का डिबेट है कि उसने ज्यादा लिया और इसको कम मिला, लेकिन ये जो इतना बड़ा रकम, ये जो सरप्लस, ये जो 20,000 करोड़ जो इंडिया का जो संसदीय प्रणाली का जो मूल जो उसका जो क्या कहिए मूल जो मैकेनिज्म है इलेक्टोरल प्रोसेस, अगर इस ढंग का रूप पे टिका हुआ है तो पूरा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे सवाल खड़ा होता है। मुझे ये यहां आपके सामने में मैं कहना चाह रहा हूं कि इवन हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डिबेट भी देखिए कैसे, जो इनइक्वालिटी का जो सवाल है, जिस ढंग से देखिए जो आदिवासी एरियाज है वहां का संघर्ष के साथ ये सब चीजें जुड़ा हुआ है ना, वहां उस एरिया को पॉलिटिकल पार्टीज बोलते हैं, ये तो एटीएम है, छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस का एटीएम बोलते हैं, पूरा आदिवासी इलाका जहां संसाधन है उसको हर एक पॉलिटिकल पार्टी का फंडिंग वहीं से हो रहा है, यानी कि वहां जो लूट मचाया जा रहा है आदिवासी एरियाज में माइनिंग का जो सुपर प्रॉफिट्स है, वो सुपर प्रॉफिट्स जो हो रहा है उससे पूरा आपका इंडिया का इलेक्टोरल डेमोक्रेसी फंड हो रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा एक तरीके का स्ट्रक्चरल एक बैलेंस है ये। यहाँ पर बुलाया गया बोलने की, क्योंकि मैं हेम मिश्रा से संबंधित करूँ, माइक ले उतार दीजिए आप, तो इसलिए मैं भी सोचा क्योंकि मेरा मैं काफी उस पर
था वो था, तो फिर मैं भी सोचा कि मुझे जाना चाहिए यहाँ कॉन्फ्रेंस में। जैसा कि आप लोग इस केस से तो सब जानकारी है ही है, 2013 में जब अक्टूबर में हम लोग जेएनयू में पढ़ता था, तो तब हमें किसी एक साथी के द्वारा, जब ये इनको अरेस्ट, वहाँ अरेस्ट मैंने इनको जब जबरदस्ती पकड़ के लिया, अरेस्ट भी नहीं जैसे बोलते हैं, तो वो एक किसी साथी के द्वारा किसी एक पत्रकार को उधर मोड़ा, उसके द्वारा पता हुआ कि हेम मिश्रा का अरेस्ट है। क्योंकि ये बचपन से ही उसमें एक हाथ के बीमारी से बाय बर्थ थे, उनका इलाज एम्स दिल्ली, अपोलो हॉस्पिटल मद्रास वहाँ चल रहा था, तो एक किसी उससे अपना प्रकाश हमते शायद कोई हॉस्पिटल है उधर ही जा रहे थे जैसा मैं जान रहा। तो जेएनयू में स्टूडेंट यूनियन में तो ठीक ही हुआ, अपनी बच्चों की आवाज़ जो समस्याएं को उठाते थे, तो पता नहीं किस उससे यूनियनों का तो होता ही है कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, तो वहाँ से पता चला कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया किसी के द्वारा, हमने बताया। तो उसके बाद हमने फिर वहाँ थाने में उधर अहेरी का जो नंबर हमने लिया था उस पर फोन किया, वो बोले कि आपका जेएनयू में ये पर्चा पड़ता है और ये अरेस्ट हो गया, आप समझाते नहीं हैं और ये है राज्य के खिलाफ कर रहे हैं। मैं बोला वो तो पढ़ नहीं गया था उससे, तो ज़्यादा हाँ तो पढ़ाई के लिए गया। तो बोला खैर आप, हमने बोला हम कैसे कहें, बोला आप गवर्नमेंट सर्विस में हो, आपने सेवा की, आप आ जाइए और आपकी हम बात करा देंगे, ऐसा कुछ। फिर हम लोग गए दो साथी के साथ अहेरी, 22, 23, 24 अगस्त को, 25 अगस्त को, तो उधर पहुँचे हम उसका लेके, तो अहेरी में इन लोगों को उधर मस्जिद के सामने लाया गया था, 6 के 6 लोग उधर, दो आदि, तीन आदिवासी और शांत राही चार, और साईं बाबा तो बाद में, उसमें 5 ही लोग थे। तो वो 5 लोगों में एक हेम हो गया, तो उससे मुलाकात किया, उधर ओपन में थे तो वहाँ, तो सिविल वर्दी में जो नक्सल के एरिया मानते हैं उनको, ऐसा बताया गया उस एरिया में, और बलारसा स्टेशन पे इनको पकड़ा, तो इनको कुछ आँख बंद करके उधर ले जाएंगे, 3 दिन जो है अवैध जो कस्टडी में रखा, जो जबकि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने रखने का है समित उसमें लॉ में, तो वो नहीं करके वो 3 दिन का कोई वो नहीं, उसमें जो यातनाएं दी गई उसमें, तो उसके अनुसार तब हम लोग मिले। फिर उसके बाद आगे हम लोग वापस गांव चले गए, फिर इनका जो है नागपुर जेल में इनको ट्रांसफ़र कर दिया अंडर ट्रायल जो था। उसके बाद हम एक दो बार मिलते रहे वहाँ, बाद में जब 1917 तो वो जब जजमेंट आया तब भी हम गए थे, सारे लॉयर्स होपफुल थे कि इसमें कोई ऐसा नहीं है, ये केस ये दिखाया गया है और इसमें ज़बरदस्ती इनके बुकलेट्स वगैरह, इनके वो कुछ पर्चे वर्चे दिखाए गए हैं, केले वगैरह कई चीज़ उसमें लिखा था मैं जो, तो उसके बाद के हो जाएगा। हम भी कोर्ट रूम में थे वहाँ पर जब जजमेंट था, तो जज साहब आए और करीब 5-10 मिनट में वो सुना के चले गए, आपको कुछ पैरवी करनी है तो आप कर सकते हैं, आगे कुछ बात कहनी है तो लॉयर्स ने तो कुछ कहने से वो कर दिया, तो हम ऐसे आ गए, हमने कहा ये तो अब इसको खाली चलेगा। उसके बाद फिर मुलाकात करते रहे जेल में, जेल का जो है जेल का अनुभव है, तो हमारा भी जो समाज में हम जाते हैं गांव में, तो उधर तो उनको जानकारी नहीं है ये क्या है राजनीति, UAPA लगाया है, पढ़े लिखे लोग तो कुछ जाते हैं, तो अखबारों में बहुत कुछ आ गया, ये माओवादी पकड़े गए, नक्सलाइट पकड़े गया, और बहुत सारे जो गांव में जो चर्चा हमारे इर्द गिर्द होती थी, कोई बोलता है किसके इसमें बड़ा वो हो गया, क्यों गया है, कैसा गया है, यहाँ पर जो कंपेन वगैरह हो गया इंग्लिश मीडिया पे या इंग्लिश उस पर होता था, इंग्लिश पेपरों में ज़्यादा है, वो गांव में तो जाता नहीं, वो गांव में तो जो सरकारी पेपर जाता है, अमर उजाला वहाँ पर था, जागरण था, उसमें तो
बहुत कुछ खिलाफ ले, ये देश के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, ये पकड़ेंगे वो पकड़ेंगे इस टाइप की। तो गांव में आया कि बड़े अपराध कर दिया और ये हो गया, कुछ लोग करने लगे। तो ये हम लोगों ने भी समझाया, मेरी पत्नी ने भी समझाया कि ये कोई चोरी करके थोड़ी गए हैं, अपने अधिकारों के यूनियन के लिए, स्टूडेंट के लिए। प्रोफेसर थे और भी दिया हुआ था यूनिवर्सिटी में, 90% डिसेबल्ड हैं, अपना पीएचडी के समय उनको दिया गया था घर, तो यूनिवर्सिटी कैंपस में उनका घर जहाँ पे रह रहे थे। तो मुझे हमारे कुछ साथी हैं कॉलिग्स, उन्होंने बताया कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट सारे सामाजिक इश्यूज पे, सामाजिक न्याय के इश्यूज पे और खास तौर से आदिवासियों के हकों के इश्यूज पे आवाज़ उठाते थे, जबकि हम लोग ज़्यादातर अपने टीचर्स के इश्यूज उठाते थे, एजुकेशन के इश्यूज, हम लोग थोड़ा लिमिटेड थे। लेकिन ऐसे भी हमारे साथी रहे जिनमें से डॉक्टर साई बाबा, जिन्होंने समाज के दबे कुचले वर्गों के बारे में हमेशा सोचा, लिखा, बोला, और खास तौर से जिस तरह की ज्यादतियां हमारे आदिवासियों के हो रही थी, क्योंकि जैसे प्रोफेसर सरोज गिरी ने बताया कि हिंदुस्तान की 95% वेल्थ जो है पूंजी, वो उन आदिवासी जमीनों के अंदर नीचे दबी हुई है, जंगलों में है। तो उस हम जो कॉर्पोरेट की नजर उस पर थी, उनकी वेल्थ जो है ज्यादातर उस इलीगल माइनिंग से आती है, बाकी सारा बिजनेस छोड़ दीजिए, वहां से जो पूंजी मिलती है उसी से वो जाके वर्ल्ड के टॉप ब्रैकेट में पहुंचते हैं। तो उस पर नजर आज से नहीं, कितने सालों से थी। और सही कहा, साई बाबा के ऊपर जो रेड हुआ 2013 में उस टाइम पे यूपीए सरकार, तो सरकारें जैसी भी हो, एक जो डीप स्टेट होता है वो इन कॉर्पोरेट्स के लिए किस तरह से कितने सालों से काम करता आ रहा है, ये हमारे सामने एक सवाल है। हम लोग हमेशा क्रिटिकल होते हैं, कोई भी सरकार हो अगर गलत काम चल रहा है तो हम लोग का तो बहुत संघर्ष चलता रहता है। तो उस संघर्ष में जिसको ऑपरेशन ग्रीनहन के खिलाफ संघर्ष था, साई बाबा बहुत ही वोकल क्रिटिक थे और इंटरनेशनल एरिना में भी उनको बुलाया जाता था अपनी बातें उनपे रखने के लिए, और ऐसी आवाजों को दबाना ये जो कॉर्पोरेट लॉबी थी उनके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि आदिवासी तो बेजुबान होते हैं, ज्यादातर संघर्ष करते हैं लेकिन उनकी आवाजें बड़े फोरम पे नहीं पहुंच पाती, उनको आसानी से दबा दिया जाता है, चाहे वायलेंस इस्तेमाल करके, चाहे झूठे केसेस लगा के उनको जेलों में बंद कर दिया जाता है। कई सारे साथी बाद में भी जो भीमा कोरेगांव में के नाम से फर्जी केसेस में अरेस्ट हुए, जैसे प्रोफेसर, जैसे फादर स्टैन स्वामियों के हकों के लिए काम किया, लीगल केस लड़े और उनके साथ क्या हुआ आपको मालूम है कि कोई ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ था और उनकी मौत हो गई कोविड के बाद, उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला, एक स्ट्रॉ तक नहीं मिला। तो ऐसे ऐसे जो केसेस हुए, तो साइबराबाद जी जब 2013 में रेड हुआ तो हम लोग, मैं भी वहां गई देखने, हमने देखा कि पुलिस ने किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सील नहीं किया, मतलब बहुत काफी घंटों तक सवाल पूछा, कुछ निकला नहीं, कुछ ऐसी झूठी मूठी कि कोई चोरी का माल यहाँ पे अहेली से पहुंच गया वो तो कुछ मिला नहीं, उनका लैपटॉप वगैरह सब कुछ उठा के लेगा और सील नहीं किया कुछ, जो पूरे कानून के खिलाफ था। और उसके बाद फिर कुछ महीनों बाद उनको किडनैप कर लिया गया, वो इवैल्यूएशन एग्जामिनेशन की स्क्रिप्ट इवैल्यूएट करने के लिए दौलतराम कॉलेज गए थे, वहां से घर आ रहे थे, 1 किलोमीटर दूर उनका घर था, लेकिन उनको गाड़ी में आना पड़ता था क्योंकि वो 90% डिसेबल्ड है। तो रास्ते में ही गाड़ी को रोक के, ड्राइवर को धमका के, भगा के उनको वहां से लेके एयरपोर्ट चले गए, घर वालों को बताया तक नहीं, सब लोग सोच रहे कहाँ है कहाँ है, और बहुत बाद में पता चला कि उनको, और इस तरह से उनको जैसे कि बोरे की तरह इधर से उधर फेंका, उसमें जो उनका जो दोनों साइड के डैमेज हुए वो आज तक वो उसकी भरपाई नहीं हो पाई है। उसके बाद तो जो बहुत कुछ आपने सुना, अंडा सेल में कैसे रखा उनको, एक मेडिकल बेल उनको थोड़े समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि जब तक केस की सुनवाई नहीं हो रही है उनको कम से कम ट्रीटमेंट तो मिले, तो कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए वो बाहर आए थे 2016 में मेरे ख्याल से, लेकिन 2017 मार्च में कन्विक्शन हो गया, जबकि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, कोई भी सबूत नहीं था। और बल्कि जब हम लोगों ने जजमेंट पढ़ी 2017 में ट्रायल कोर्ट की, उसमें कहीं चार्ज भी नहीं है कि कोई वायलेंट एक्टिविटी में प्रोफेसर साई बाबा या इनकी जो साथ जिनको और उनको इसको कन्विक्ट किया गया वो इन्वॉल्व है, बस ये चार्ज था कि एक माओइस्ट ग्रुप के साथ की मेंबरशिप है, वो भी प्रूफ नहीं कर पाए, वो भी प्रूफ नहीं हुआ, उनके जितने विटनेसेस थे सारे फ्लॉट थे, ज्यादातर पुलिस के ही
साथ एसोसिएटेड थे और एक कोई अनपढ़ था बेचारा जो रोता रहा कि मैं तो जाना नहीं चाहता था, जबरदस्ती एक नाई था यूनिवर्सिटी में, हमें जबरदस्ती बुलाया जा रहा, हम उनको मना नहीं कर सकते। इस तरह की एविडेंस थी, किसी को नहीं उम्मीद थी कि ऐसे फ्लिमसी एविडेंस के बेस पे उनको कन्विक्ट किया जाएगा। और जज ने जजमेंट सुनाते वक्त ऊपर उठा के नजर भी नहीं मिलाई किसी से, बस ऐसे करके साइन करके चले गए। तो हमें शक था कि पूरी पुलिस के दबाव में, ये NIA के दबाव में, सेंट्रल गवर्नमेंट के दबाव में ये इस तरह की जजमेंट आई है। और पते की बात ये थी कि उनको जो एक सेंटेंस था कि साईं बाबा ऐसे ग्रुप के मेंबर हैं जो विकास के खिलाफ है, तो इम्पोर्टेंट बात थी विकास, किसका विकास, कौन सा मॉडल विकास का। और इसी के पीछे आपको ये साफ हो जाता है कि जो कॉर्पोरेट शक्तियां जो सरकार पे हावी हैं, और अब तो क्लियर हो गया कि कैसे हावी हैं, ये जो क्विड प्रो को की बात हम कर रहे हैं, ये क्विड प्रो को इज नॉट बिटवीन पॉलिटिकल पार्टी, दिस क्विड प्रो को इज बिटवीन द स्टेट जिसके हाथ में ईडी होता है, सीबीआई होता है, हर तरह के हथकंडे होते हैं, रेड करो उसके बाद आप वसूली करो उनसे हजारों करोड़ों का वसूली, ये सब क्लियर हो गया है। तो वो जो जिस तरह से जो लूट करना चाहते हैं हमारे आदिवासी जमीनों की, वो ही पॉलिसी डिक्टेट कर रहे हैं सरकारों की, क्योंकि सरकार जो है उनसे पैसा लेके चलाती है अपना पॉलिटिक्स। तो वही लोग तय करते हैं कि किसको बंद किया जाएगा, किसका मुंह बंद किया जाएगा, कहाँ पे कौन से आंदोलन को क्रश किया जाएगा, और सरकारें उनके साथ हाथ मिला के इस तरह के काम करती हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से ये ट्रायल चलता रहा, एक बार भी पैरोल नहीं दिया गया, जबकि आप देखते हैं कि ऐसे कन्विक्टेड लोग जिन्होंने जेनोसाइड, जिनको मैस मर्डर के लिए कन्विक्ट किया गया, जैसे बाबू बजरंगी या माया कोडनानी या राम रहीम जो कन्विक्टेड रेपिस्ट हैं, और वो 11 रेपिस्ट जो बिल्किस बानो के केस में कन्विक्ट हो गए थे और उन्होंने भी मैस मर्डर किया था, वहां पे कितने सारे लोगों का कत्ल किया था, 3 साल की बच्ची का भी कत्ल किया था, ऐसे लोगों को बार बार पैरोल मिला, मतलब पैरोल में ज्यादा टाइम बाहर के बजाय अंदर के, फिर उनको रिहा कर दिया गया और रिहा होते फिर से पैरोल मिल गया। ये हमारे देश में जो न्याय प्रणाली है या जो कानून की व्यवस्था है उसमें किस तरह का कानून है कि ऐसे लोग जिनको हम लोग को रोल मॉडल बना के, जो संतों की तरह द मॉडर्न डे सेंट्स लाइक फादर श्याम स्वामी, जो अपना ना सोच के, अपनी नौकरी, अपनी पूंजी, अपनी इनकम, अपनी तनख्वाह के बारे में ना सोच के, उन्होंने जनता, आप गरीब कुचली हुई जनता के बारे में सोच के उनके लिए आवाज उठाई और उनको इस वजह से जेलों में डाला गया। ऐसे लोग जेलों में भरे हुए हैं और हमारे बेहतरीन स्कॉलर्स, पोएट्स, वकील तक, जो वकील डिफेंड कर रहे हैं ऐसे लोगों को, जैसे साईं बाबा जी के वकील सुरेंद्र गार्डलिंग, उनको जेल में डाल दिया गया, धमकी दी कि अगर आप इनका साथ देंगे तो आपको भी जेल में डाल देंगे। जर्नलिस्ट जो ये कहानियां कवर करते हैं उनको बंद कर दिया जाता है। कई सारे ऐसे नाम आए हैं और अभी प्रोबी प्रकाशता जो न्यूज क्लिप को हेड कर रहे थे, उनको बेकार के लिए कोई भी चार्ज नहीं है, ऐसा झूठा केस बना के उनको जेल में डाला हुआ है। तो ये हमारे देश में हो रहा है कि जो कोई भी आवाज उठाता है उसको इस तरह से किसी झूठे केस में उठा के बंद कर दिया जाता है। तो साथियों, इसी में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो पहली जजमेंट आई इनकी रिहाई की, जिसको लोग कहते हैं कि टेक्निकल ग्राउंड पे थी, तो टेक्निकल ग्राउंड पे हो तो देयर कंप्लीटली वैलिड, ऐसा उनको उस टाइम पे किस तरह से इमरजेंसी मीटिंग करके सैटरडे को और एक ऐसी बेंच के सामने भेजा जहाँ पे हम लोग को कोई उम्मीद भी नहीं थी कि वहां से कोई पॉजिटिव जजमेंट निकलेगा, और उनको दोबारा से मतलब निकलने नहीं दिया जेल से, वो उससे हम लोग को बड़ा शॉक लगा। बल्कि उस टाइम पे सारे जो साथी यहाँ पे हेम भी थे और सारे लोग, उन्होंने अपने कपड़े भी दे दिए सारे लोगों को, किताबें दे दी, सब कुछ दे दिया बाकी प्रिजन के लोगों को कि अब तो हम घर जा रहे हैं। और फिर उसके बाद पता चला कि नहीं, वो ऑर्डर रिवर्स हो गया, स्टे हो गया है। तो वो से बहुत जबरदस्त हमको शॉक लगा, क्योंकि तब हमें पूरी उम्मीद थी, फिर उसके बाद इतनी उम्मीद कम हो गई कि अभी लगता है कि हम सपना देख रहे हैं। लेकिन ये जो जजमेंट आई है, अगर आप पढ़ेंगे उसको, तो इतनी बेहतरीन जजमेंट मुझे लगता है, बल्कि मुझे लगता है कि ये हमारे जो हमने प्रेस रिलीजेस इतने सारे लिखे थे कि जो अभी मैंने आपसे शेयर किया कि कोई वायलेंस का चार्ज उनके खिलाफ नहीं था, ये जजमेंट में लिखा है कि ऐसा कुछ नहीं था उनके खिलाफ। और सिर्फ अगर हो सकता है कि राय उनकी कुछ हो, वो भी प्रूव नहीं किया गया, अगर उनके पास कुछ लिटरेचर मिला जो माओ संहिति का है, हम टीचर्स के पास हर तरह का लिटरेचर होता है, क्योंकि हमारा फर्ज होता है कि हम हर तरह की विचारधारा का अध्ययन करें और स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करें, अल्टीमेटली आपकी क्या राय है आप खुद बनाएंगे, लेकिन ये कोई क्राइम तो नहीं हो सकता है।
तो जजमेंट में इस तरह की बात भी लिखी है, तो जो मेरिट पे जो सैंक्शन के बारे में तो लिखा ही है कि सैंक्शन आई नहीं जो यूएपी में जरूरी है, उसके अलावा मेरिट का मतलब यहाँ नहीं होता पॉलिटिकल मेरिट जो हम लोग बहस करते हैं, लेकिन लीगल मेरिट पे भी उन्होंने पूरी तरह से एग्जामिन करके पाया है कि पूरा केस ही झूठा, मतलब कोई भी चीज प्रूव नहीं हुई है, जो चार्जेस है वो भी प्रूव नहीं हुए, और ऐसे चार्जेस में किसी को उम्र कैद आप दे ही नहीं सकते, और इसलिए उनको बाइज़त बरी कर दिया गया है। तो इसी के साथ मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी हमारी हमारा संघर्ष अधूरा है, बहुत कुछ बाकी है, तो जो 10 साल खोए हैं हमारे साथियों ने उनका कॉम्पनसेशन कैसे होगा। पांडु नरोटे की मौत हो गई कस्टडी में, उनको ट्रीट नहीं किया गया, उनकी बीमारी थी बिल्कुल लास्ट मिनट पे जब निकलने वाले थे उनके प्राण, तब जाके उनको एक अस्पताल दिखाने के लिए गए, लेकिन तब तक वो ही कुछ नॉट सर्वाइव। तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है? राजनीतिक बंदी और उन हजारों जो राजनीतिक बंदी जो इस देश के तमाम जेलों में बंद थे, उसके लिए यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के लिए मैं आज के आयोजकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और यहाँ पर मंच पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण जी, डीयू के रिटायर्ड प्रोफेसर नंदिता अक्षर जी, नंदिता नारायण जी, प्रोफेसर सरोज गिरी और तमाम साथियों का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये 10 साल का सफर शुरू होता है 20 अगस्त 2013, क्योंकि जैसे मेरे पिता ने बोला कि मेरे हाथ में प्रॉब्लम था और जिसके लिए बचपन से उसको काफी ट्रीटमेंट कराना पड़ा, और वो प्रॉब्लम मेरे जन्म से लेकर के अभी तक वो प्रॉब्लम बना हुआ है, उसके लिए पूरे देश के अस्पतालों में जब मैं मेरा नाम भी नहीं पड़ा हुआ था, 6 दिन का था तब से वो अस्पतालों के चक्कर लगा रहा। तो ये सवाल जब मेरे देश के जो स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में मैं बार बार विचार करता था कि देश की स्वास्थ्य सेवाएँ कैसी है, एक उत्तराखंड से दूर गाँव से मुझे इलाज के लिए चेन्नई जाना पड़ता था, ये तमाम चीज़ों के बारे में मेरे मन में विचार चल रहे हैं कि ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं हैं या नहीं। तो डॉक्टर प्रकाश हांटे जो कि आदिवासियों के स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने ऐसे इलाकों में जो तथाकथित विकास से बहुत दूर ऐसे इलाकों में आदिवासियों के स्वास्थ्य को लेकर काम किया था, आदिवासियों के अधिकारों के लिए काम किया था, उनके काम को बस समझने के लिए उनसे मिलना चाहता था, और मुझे पता नहीं था कि उनसे मिलने का सपना, उनसे मिलने का इरादा मुझे अगले एक दशक के लिए जेलों में लेके जाए। 20 तारीख की सुबह 20 अगस्त 2013 को जब मैं बल्लारशाह स्टेशन पर उतरा, केरला एक्सप्रेस से जा रहा था, 10:30 बजे का समय होगा, तो मैं वहाँ से हेमलकसा में उनका अस्पताल है और वहाँ पर उनका काम है, वहाँ से वाहन लेने के लिए जा ही रहा था, तभी अचानक पीछे से सिविल वर्दी में लोगों ने मुझे अरेस्ट पकड़ लिया। तो मैं चिल्लाता रहा, लोगों से मदद मांगने के लिए चिल्लाते रहा, मेरे को जानने वाला वहाँ कोई नहीं कि मेरी किसी से दुश्मनी। तो ये सिलसिला 5 मिनट तक चला, तभी 8-10 और लोग सिविल वर्दी में आते हैं और मुझे गाड़ी में बंद किया जाए, और अगले 3 घंटे तक मेरी आंख में पट्टी डाल के मुझे पता नहीं किन किन जगहों से ले जाया जाता है, और रास्ते में पंच से रिवॉल्वर के बट से मुझे मारा जाता है, और मुझे नीचे देखने को हमेशा बोला जाता है, और इस दौर में मैं बराबर उनसे यही बोलता रहा कि आप लोग कौन हैं, मुझे मालूम नहीं है, आप मुझे क्या करना चाहते हैं, मेरा आपसे किससे झगड़ा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो कुछ सुनने के मूड में नहीं थे, उनने मेरा पर्स छीन लिया था, और मेरे पास जो लिटरेचर की बातें हो रही है, जो माओवादी लिटरेचर की बातें हो रही है, मेरे पास मास कम्युनिकेशन जो JRF प्रिपरेशन की एक किताब और एक आउटलुक मैगजीन, ये दो ही लिटरेचर मेरे पास था।
अगले 20 तारीख से अगले 3 दिन तक यानी कि 23 अगस्त 2013 तक मुझे अवैध हिरासत में वहाँ रखा गया और तब जाकर के मैं बोर्ड पढ़ा था वो, तब मुझे लगा कि शायद मैं पुलिस के कब्जे में आ चुका। मुझे मालूम नहीं था कि मैं कहाँ कौन लोग हैं, मुझे क्या करना चाहते हैं, तो एक प्रकार से मुझे ये पूरी तरह अपहरण कर गया। क्या 3 दिन तक आपके हत्या? 3 दिन तक किसी को पता नहीं था कि मुझे कहाँ रखा गया है, मेरा फोन स्विच ऑफ था और मेरे घर वालों को, मेरे दोस्तों को, किसी को भी बताया नहीं गया। बार बार उनसे रिक्वेस्ट करते रहा कि आप पहले मेरे घर में बता दीजिए और उनको सब कुछ बताते रहा कि मैं जेएनयू से आया हूँ और उनके काम को समझना चाहता हूँ, लेकिन मेरा कुछ सुना नहीं गया। और 3 दिन तक मुझे एक तो सोने नहीं दिया गया एक भी, और उसके बाद 2 आदिवासी नौजवान को उन 3 दिन उसी दिन लाया गया, उसको पांडु नरोटे और महेश करीमती थी, जिनको मैं पहले कभी नहीं जाता हूँ, उनको भी वहाँ ले जाए। तो 3 दिन तक हम तीनों को अलग अलग रूम में अमानवीय यातनाएं दी गई और 3 दिन के बाद कोर्ट में पेश किया गया। और कोर्ट में जब रिक्वेस्ट किया कि मेरे घर पर बताना, मेरा अधिकार है, अभी तक 3 दिन से मुझे अरेस्ट में मुझे पकड़ा गया है, एक तरफ से मेरा अपहरण किया गया है और ये जो भी बात बोल रहे उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे क्यों पकड़ा गया है, मैं मजिस्ट्रेट से बोला। उसके बाद मुझे 3 दिन बाद मेरे जज ने मजिस्ट्रेट ने बोला इनके घर को आपको बताना पड़ेगा, लेकिन गाँव है और वहाँ सिग्नल मिलता नहीं है, तो पापा का फोन लग नहीं रहा था, तो उन्होंने एक वकील जो है और सामाजिक कार्यकर्ता भी है, उनका नंबर भाई जो मुझे याद था क्योंकि मेरे तो सारा सामान डायरी मेरी नोटबुक सब तो ले लिया था, तो मुझे उनका नंबर याद रहेगा, तो उनका नंबर पर मजिस्ट्रेट साहब ने फोन करने की अनुमति दी गई। और मैंने ये भी बताया कि 3 दिनों में मेरे साथ क्या हुआ है, किस तरीके से हमारे साथ टॉर्चर हुआ है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं, मजिस्ट्रेट ने भी उस बारे में कोई नहीं कहा। 3 दिन के बाद 10 दिन का जुडिशियल कस्टडी होती है, उसमें हमें भेज दिया गया और जुडिशियल कस्टडी में भी लगातार अलग अलग इन्वेस्टिगेशन टीमें आती थी, कभी हमें कहीं घुमाया जाता था, कभी कहीं घुमाया जाता था अलग अलग जगहों में, और देर रात सुबह 4 बजे तक, कभी 3 बजे तक एक हमें यात्राएं देने का सिलसिला चलता रहता था। और देश भर में जो लोग सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध कर रहे थे, जो प्रोफेसर, टीचर्स, वकील और तमाम तरह के कार्यकर्ता, जो सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले लोग हैं, उनके बारे में पूछ पूछ कर यात्राएं किया जाता था और मुझे स्वीकार करने के लिए बोला जाता था कि ये सब आप स्वीकार करो, ये सब माओवादी हैं, ये सब वो हैं, तो लेकिन जो बात में कोई सच्चाई नहीं है और लोगों ने जो अपराध किया नहीं है वो उसको मैं स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए मुझे लगातार अमानवीय यातनाएं दिया जाता था। और आदिवासी कार्यकर्ताओं को तो जाहिर सी बात है, उन लोगों ने कभी थाना नहीं देखा, कभी पुलिस नहीं देखा, उनको भी उनको तो उनके बाद मीडिया में उस तरह से हाईलाइट नहीं होती क्योंकि वो एक उनको भी बहुत सारी यात्राएं की और